आज हम लोग बात करेंगे माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रिट्स आईपीओ के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे रिट्स क्या होता है और इस आईपीओ में किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्ट बेंच। रिट्स का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है बट फॉर रियल इस्टेट। डिफरेंस ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड होल्ड करता है पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी बॉन्ड एंड कैश, वैसे ही रिट्स होल्ड करता है पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्शियल रियल इस्टेट जैसे कि फैक्ट्री लैंड और ऑफिस बिल्डिंग। करेंटली इंडियन रेगुलेशन नहीं अलाउ करता है फॉर इंडियन रिट्स टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रिट्स के तीन कंपोनेंट होते हैं जस्ट लाइक एनी म्यूचुअल फंड। पहला स्पॉन्सर, सेकेंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड थर्ड ट्रस्टी। स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप रिट्स और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड राइट इन रियल इस्टेट एसेट। इन्वेस्ट मैनेजर जो डिसाइड करता है कौन सा एसेट बाई करना है एंड वेन टू सेल। जितना इफिशेंटली ये मैनेज करेंगे उतना अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। सेम फंक्शन जो फंड मैनेजर करता है फॉर म्यूचुअल फंड। ट्रस्टी जो एक्ट करता है एज अ कीपर और वो इंश्योर करता है कि इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर आर प्रोटेक्टेड इन रिट्स। एंड रेगुलेशन है दैट मस्ट बी फॉलोड बाई रिट्स इन इंडिया। पहला ये है कि दे कैन ओनली इन्वेस्ट इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। सेकेंड 80% ऑफ द रिट्स फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड ओनली इन कंप्लीट प्रोजेक्ट दैट इज दे आर ऑलरेडी इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट। थर्ड है एटलीस्ट 90% ऑफ कैश फ्लो जो कि रेंट या सेल ऑफ प्रॉपर्टी से आता है दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट शेयर होल्डर ऑन सेमी एनुअल बेसिस। अगर बात करें एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिट्स की तो फर्स्ट बाय इन्वेस्टिंग इन रिट्स वी गेट इन डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ कॉमर्शियल रियल इस्टेट जिससे कि वी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ मैजिकल कॉमर्शियल रियल इस्टेट ग्रोथ इन इंडिया जो कि इन जनरल आउट ऑफ रीच है फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल एंड मीडियम साइज इन्वेस्टर। रिट्स का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होता है जिससे कि रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। रिट्स सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आता है विच एड ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी फॉर इन्वेस्टर कंपेयर टू डायरेक्ट बाइंग इन रियल इस्टेट। जब हमें ये पता चल गया रीट्स क्या है तो हम बात करते हैं माइंड स्पेस रीट्स आईपीओ की। माइंड स्पेस रीट आईपीओ सेकेंड पब्लिक ऑफर है इन रीट स्पेस आफ्टर एम्बेसी रीट्स। माइंड स्पेस रीट है ओनर ऑफ हाई क्वालिटी ऑफिस पोर्टफोलियो इन इंडिया अक्रॉस मुंबई पुणे हैदराबाद एंड चेन्नई। इनके पास है 5 इंटीग्रेटेड बिजनेस पार्क विद सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5 क्वालिटी इंडिपेंडेंट ऑफिसेज। इनके पोर्टफोलियो में है टोटल लीजेबल एरिया ऑफ 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेड ए ऑफिस पोर्टफोलियो इन इंडिया। उसमें 23.0 मिलियन स्क्वायर फीट है कंप्लीटेड एरिया, 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट है अंडर कंस्ट्रक्शन एंड 3.6 है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। और ये जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस 172 टेनेंट्स एंड मोस्ट कंपनीज आर बिग मल्टीनेशनल एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स लाइक फेसबुक, अमेजॉन, एसेंचर, विप्रो, जेपी मॉर्गन एंड दिस टाइप ऑफ क्लाइंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू रेवेन्यू। ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो बहुत हाई है विथ 92% एंड एवरेज लीज पीरियड की बात करें तो दैट इज़ 5.8 ईयर जिससे हमें लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखता है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो माइंड स्पेस ने प्रोजेक्ट किया है अपने ऑपरेटिंग इनकम टू ग्रो एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 17% बिटवीन 2020 एंड 23 एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी नंबर। और हमें इसका मेन दो रीज़न दिखता है। पहला, लीज किया हुआ प्रॉपर्टी का रेंट 12-15% इंक्रीज होता है आफ्टर एवरी 3-4 ईयर, सो ये अच्छे से रेवेन्यू को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। सेकेंड, नियरली 6.5 मिलियन स्क्वायर फिट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो है अंडर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा फॉर लीजिंग, सो दैट कैन बूस्ट देयर रेवेन्यू। कंसर्न की बात करें तो हमें मेजर दो कंसर्न दिखता है। फर्स्ट, ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन हमें इन शॉर्ट टर्म इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है, बट जैसे इनका लोकेशन है एंड द क्वालिटी ऑफ एसेट दे हैव, लॉन्ग टर्म में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। सेकेंड, रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है इन डेवलप्ड कंट्री इट्स वेरी कॉमन, बट इंडिया में ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और हमें नहीं पता इन फ्यूचर ये कैसा
परफॉर्म करेगा। अब क्वेश्चन आता है हु शुड इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। तो पहला, जो इन्वेस्टर के पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है एंड उनका कॉन्सेंट्रेशन मेन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में है एंड दे आर लुकिंग फॉर सम डाइवर्सिफिकेशन, तो उन्हें तो ये आईपीओ अप्लाई करना ही चाहिए। सेकेंड, इन्वेस्टर जो चाहते हैं एक रेगुलर फ्लो ऑफ डिविडेंड, वो भी ये आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रीट्स ने मैंडेटरी कर रखा है टू डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो एवरी 6 मंथ टू देयर शेयर होल्डर। इन लास्ट हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो ये इशू ओपन हो रहा है 27 जुलाई को एंड ख़त्म हो रहा है 29 जुलाई को। प्राइस बैंड है 274 से 275 रुपीज़ एंड बिड साइज़ है 200 यूनिट और हम केवल 200 यूनिट के मल्टीपल में ही अप्लाई कर सकते हैं और इशू प्राइस आता है वो क्लोज टू 55,000 रुपीज़ आ रहा है। टोटल साइज ऑफ दिस इशू है 4500 करोड़, जिसमें 1000 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 3500 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। KRC ग्रुप जो कि मेन प्रमोटर है वो अपना स्टेक 20% से कम कर रहे हैं और पोस्ट IPO उनका स्टेक 65% हो जाएगा फ्रॉम 85%। ब्लैक स्टोन प्राइवेट इक्विटी अपना स्टेक 5% से कम कर रहे हैं एंड पोस्ट IPO स्टेक 10% हो जाएगा। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस IPO है डेट रिपेमेंट। जो भी पैसा ये कलेक्ट करेंगे उससे ये अपना डेप्ट कम करेंगे एंड रिमेनिंग पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सो दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो। प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। टिल देन गुड बाय।